कर्मियों का। गुड़गांव हॉस्टल दूसरे सेट में एक अंक लेकर के 1-0 से आगे। एक समान अच्छा साई डीसी की टीम एक समान पहला सेट यूज करके दूसरे सेट में एक समान एक बराबर से बहुत बढ़िया ड्रॉप गुड़गांव टीम के प्लेयर द्वारा। बहुत सुंदर स्पाइक एकदम फ्री हैंड खेलने का मौका मिला प्लेयर नंबर दूध को और शानदार माइक चला क्यों नहीं वैसे बोल दो आप एक बार वैसे बोल दो स्कोरर वैसे बोलिए बिना माइक 5-2 गुड़गांव हॉस्टल 5 एसएसआईटीसी 2। बहुत शानदार मैच फिर तामीन कौन दिखाओ रवि भाई बहुत अच्छी सर्विस ठीक करियो तो ये बच गई स्टोरेज बच गई के सदस्य सुभाष लाडावास भी हमारे बीच पहुंचे हैं तो सुभाष जी का भी यह स्वागत है मंच पर आ जाए कृपया 6-7 ये अब की बार पहुंचे हैं मस्त और रंगीले दर्शक शाबाश 6-8 ये बहुत बढ़िया स्पाइक निचला के जमीन में लग गए नजारा पेश किया जा रहा है दर्शक साहिबान
क्यों को नहीं आवे फिर भी यार कोई दिखाओ अपने जोर का प्रदर्शन किए अपन वह हम बहुत बढ़िया स्पाइक प्लेयर नंबर 4 द्वारा 87 ठीक आ गया फिर तो तरह जानकारी के लिए बता दूं 500 लड़के इसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं एचएसआईडीसी में हरियाणा की
टीम और देश में उन टीमों में गिनती होती है जो वर्ल्ड लेवल की टीमें हैं, उन टीमों में हमारे हरियाणा की टीम की गिनती होती है। और इनके सामने हरियाणा के खिलाड़ी अठारंजा चांदवारेरा जो राज राइफल की टीम से खेलते हैं, 18-13 दो नंबर प्लेयर जो राजस्थान पुलिस की तरफ से खेलते हैं, दोनों ही टीमों में राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी तीसरे सेट के लिए हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी सुबह सिंह भी वार्म आ रहे हैं। 14-8 तीसरा सेट ऐसे भी अच्छा होगा। मंच पर विराजमान निक्की राम दगड़ोली जो अपने जमाने के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जिनके खेल के चर्चे और किस्से आज भी 15-18 अंतर्राष्ट्रीय रेफरी महेंद्र सिंह हरियाणा पुलिस चंदा भी पहुंचे हैं। उसको समझाएंगे हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं।
बताऊंगा आपको कि महिला मटका दौड़, बुजुर्गों की दौड़ और बच्चों की दौड़ का आयोजन 5:30 बजे किया जाएगा ग्राउंड में। सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे 5:30 बजे खेल प्रांगण में प्रतियोगिता के लिए पहुंच जाएंगे। अच्छी सर्विस प्रिंस के द्वारा और ये डिफेंस आते हुए अच्छी लीड पर अटैक रजत के पास से मारा है बिल्कुल सेंटर ब्लॉक में, बहुत अच्छा शॉट। का स्कोर गुड़गावा हॉस्टल की टीम लीड करते हुए। शेव करना है वो गलत कर सके। टच आउट का इशारा है 21-23 का स्कोर। बहुत ही अच्छा जजमेंट नरेंद्र रेफरी जो है राजस्थान से है, बहुत ही अच्छे रेफरी है। अच्छी सर्विस, अच्छा पास और उतना ही अच्छा शॉट। 22-23 HSIDC की टीम कम बैक करते हुए 22-23 का स्कोर। और ये फाउल का इशारा रेफरी के द्वारा। 24 खिलाड़ी दोनों टीमों में, अजय जो 2 नंबर की जर्सी में गुड़गावा से सर्विस करेंगे येलो टी शर्ट में। अच्छा शॉट 24 ईच, दोनों टीमें 24-24 की बराबरी पे। बताना चाहूंगा जेवली गांव शुरू से ही वॉलीबॉल के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर तैयार करता रहा है। आसपास के खिलाड़ी भी बीपीडी स्कूल में खेल के नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। 5:24 और ये एक एक साइड की बराबरी, दोनों टीमें एक